न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे। सो गाइस हम लोग कुछ और दो दिन से रुके थे और आज मौसम काफ़ी मस्त है, बादल घने घने बादल अभी भी हैं पर मौसम थोड़ा खुल गया है। तो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों पिछोर का किला, क्योंकि गाइस मामा का घर है, हम लोग बचपन से यहाँ आ रहे हैं पर कभी भी राउंड नहीं लगा पिछोर के किले जाने का और ना ही कभी ऐसा सोचा था, पर आज एकदम से प्लान बन गया और मेरे संग मेरे मामा की बच्चे भी जा रहे हैं और साथ में खुशी भी है। तो आप तुम लोगों ने पहले देखा है कभी किला? नहीं, आज तक तो नहीं गए। नहीं गए तुम लोग? कहीं पे रहते? नहीं गए। नहीं गए दोस्तों, ये भी नहीं गए। सो गाइस चलिए, आज काफी ऐतिहासिक किला है और काफी पहाड़ी पे काफी ऊंचाई पे बना हुआ है और वहाँ पे एक सुरंग या बाबरी बनी हुई है जहाँ पे पानी का स्रोत है। और दोस्तों कहा जाता है ऐसा कि वहाँ पे हाथी घोड़े उसी बाबरी से आते थे और पानी पानी पीते थे। सो दोस्तों वो भी देखेंगे और उसके अंदर एक मंदिर भी है, सो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। सो गाइस चलिए मेरे संग किला चलते हैं और अब घर से बाइक निकालते हैं, चलते हैं रेडी। सो गाइस चलिए ऊपर किले के पास चलते हैं और दोस्तों ऊपर चलते साथ ही यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, मेरे पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा और यहाँ पे काफ़ी पेड़ वगैरह खड़े हुए हैं। गाइस थोड़े आगे से हम लोग किले का नज़ारा देखते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं और मेरे पीछे आपको दूर दूर पानी भरा दिख रहा होगा, वो यहाँ से माटटीला डैम का पानी दिख रहा है। दोस्तों मामा जी और आ जाएँ, फिर उसके बाद हम लोग किले के अंदर चलते हैं। और ये लोग देखो, ये लोग भी घूम रहे हैं यहाँ पे। देखिए आज वर्षा काफ़ी हो चुकी है और ये देखिए खेतों में पानी भर चुका है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है खेतों में, दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा पानी भर गया है। ये गाइस ये देखिए, ये हम लोग किले के सामने हैं, किले के पहले एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ से आपको पूरा पिछोर का नज़ारा दिख रहा होगा। तो गाइस मेरे पीछे देखिए ये रहा पिछोर का शानदार किला, तो मैं आपको थोड़ा पास से इसका नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये रहा किले का फ्रंट गेट। किला घूमने आए थे पर पता पड़ा यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो दोस्तों आज तो मैं पोपट हो गया। तो गाइस अब यहाँ से चलते हैं, इसका दूसरा दरवाज़ा है उस तरफ देखते हैं, अगर वो खुला होगा तो फिर वहाँ से हम लोग किले के अंदर जाएंगे और आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। देखिए किले के लिए जीने गए हैं, तो जीने से जा रहे हैं मामा, आगे निकल गए और मैं पीछे पीछे जाता। सो गाइस चलिए अब जीनों की चढ़ाई करते हैं। दोस्तों ये लोग जीने की चढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी मामी मामा जी और खुशी। खुशी चलें गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई तो पेड़ वगैरह खड़े हो गए हैं।
ये देखिए दोस्तों, रास्ता तो चालू है पर पेड़ के थोड़े पत्ते बड़े हो गए हैं जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा निकलना कठिन हो रहा है। तो गाइस ये देखिए मेरे थोड़े आगे ही है किले का दरवाज़ा। ये देखिए दोस्तों, तो गाइस आगे चलें, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ पे बड़े बड़े हो गए हैं। भी देखिए किले पे एक दरवाज़ा लगा है और ये भी बंद है, देखते हैं अगर ये खुला हो तो आगे जा पाए। तो गाइस हम किले के अंदर आ चुके हैं, ये देखिए इसका ऊपर का व्यू। दोस्तों ये खंडर डला है, काफ़ी ज़्यादा कांटे माटे उग गए हैं। दोस्तों ये रहा इसका फ्रंट गेट, ये देखिए इसके दोस्तों फ्रंट गेट जो थे वो निकाल कर पिछुर की जो तहसील है उसमें लगा दिए गए हैं। आगे चलते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास मास तो उग चुकी है पर आज आए हैं तो थोड़ा सा देख की जाए। ओहो, ये देखिए ये रही किले की बाउंड्री, यहाँ पे दोस्तों गाइस यहाँ पे एक मंदिर बना है, वहाँ पे झंडा लगा है, चंदेल अब्बा का मंदिर बोला जाता है और इसके नीचे मोती सागर तालाब भरा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए दोस्तों चलिए गाइस और आगे चलते हैं, इस पार्ट को तो देख लिया, यहाँ पे काफ़ी खंडर डला है। मामा मेरे सबसे आगे आगे हैं, मम्मी खुशी मामी पीछे हैं। तो गाइस रास्ता इसका काफ़ी खंडर हो गया है, ये देखिए इसके चलिए दोस्तों इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा घास हो गई है तो अब हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, इससे बाहर निकलते हैं अब। इससे दोस्तों पिछोर के किले से अब बाहर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें क्या है घास खड़ी हुई है वरना और आगे जाते पर उस एरिया पूरा बंद हो चुका है घास से। तो गाइस देखिए सब लोग आगे आगे आ चुके हैं, यहाँ से अब निकलते हैं बाहर क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा खंडर की स्थिति में है ये किला। देखिए आप देख रहे हो कैसे मुड़ के निकलना पड़ रहा है इससे। सो गाइस हम इसके बाहर निकल आए हैं, पोर्शन से बाहर आ गए हैं। ये देखिए आपको फ्रंट गेट दिख रहा होगा, अंदर के एरिया में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा घास थी जिस चक्कर में हम इसके लेफ्ट जो पोर्शन था उस तरफ हम नहीं जा पाए। आपको इसके बाहर ही काफ़ी ज़्यादा घास दिख रही होगी, जीने कट चुके हैं और बगल से उतरना पड़ेगा मुझे भी। अपने वीडियो देखी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलेंगे ऐसे ही मस्त ब्लॉग में। वीडियो में जब तक लिए बाय 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 दोस्तों, जय हिंद।